हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टेम्परामेंट। ऑलराइट, टेम्परामेंट हो गया, डायथिसिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, म्याजम हो गया, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी हो गया, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूछे ही जाते हैं और आपको इनके रिगार्डिंग अपना जो सेप्शन है वो बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। तो अगर आपने म्याजमो डायथिसिस नहीं समझ रखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हो, वहाँ पे वीडियो लिंक्स हैं, वहाँ जाके आप उन्हें देख लेना, अच्छे से समझ लेना। और अगर आपको म्याजम की बुक परचेज आउट करनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको टेम्परामेंट के बारे में बताने वाली हूँ। टेम्परामेंट इज सिंपली द, अगर हिंदी में बात करूँ तो मैं आपको, ठीक है, सिंपल सा मतलब होता है स्वभाव, ठीक है। अब वो हो सकता है मेंटली है, मेंटल स्फीयर पे है, वो हो सकता है फिजिकल स्फीयर पे, ठीक है। तो अगर टेम्परामेंट की डेफिनेशन हम डिस्कस करें तो इट इज़ अ साइको फिजिकल पर्सनैलिटी, ऑलराइट, पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, ओके। इट इज अ साइको फिजिकल पर्सनैलिटी पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल दैट इन्फ्लुएंसिंग हिज मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ये एक साइकोफिजिकल पर्सनालिटी है, साइको इज मेंटल, ठीक है, फिजिकल इज फिजिकल, इट इज अ साइकोफिजिकल पर्सनालिटी दैट इज पिक्यूलियर टू इंडिविजुअल, यानी कि दूसरे इंसान की एक इंसान से अलग है, ठीक है, जो उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर वो किस तरीके से सोचता है, ठीक है, मैनर ऑफ थॉट एंड एक्शन, किस तरीके से सोच रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सब ये कंट्रोल करती है। सो इट इज़ अ साइकोफिजिकल पर्सनैलिटी जो किसी एक इंसान के लिए पिक्यूलियर है, जो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को, उसकी थॉट को, उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट, और वी कैन से डिस्पोजिशन टाइप ऑफ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ अ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट, मेंटली हो गया वो बात, ठीक है, फिजिकली हो गई वो बात, डिस्पोजिशन है, ठीक है, और टाइप ऑफ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी बात, लेकिन थोड़ी देर में आगे समझ आ जाएगी, इसको मैं और एलैबोरेट कर दूंगी, ठीक है। सो और एग्जांपल अगर मैं दूं, डेफिनेशन और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो इट इज़ अ डायनामिक पैथो फिजिकल एंड
कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। पार्टली डिटरमाइंड बाय जीन्स, एंड बट ब्रॉडली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, बट ब्रॉडली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। यानी कि एक तरीके का पैथोफिजिकल, डायनामिक पैथोफिजिकल और कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन है इंडिविजुअल का। ध्यान से समझना, डायनामिक वाइटल फोर्सेस इन्वॉल्व, पैथोफिजिकल मेंटल और फिजिकल, एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। जो आधा तो जीन्स डिटरमाइन कर देते हैं बिकॉज इट इज़ इनहेरिटेड, लेकिन बहुत एक्वायर्ड भी होते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। ऑल राइट, अब टेम्परामेंट क्या करते हैं, जो भी इंसान है उसको प्रीडिस्पोज्ड करते हैं। टेम्परामेंट predisposed to certain morbific reaction। temperament इंसान को predispose करते हैं to certain morbific reactions। और अगर आपने control नहीं किया, अगर आपने ठीक नहीं किया इसको, तो इनकी रिएक्शंस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो और डेवलप हो जाती हैं, बीमारियां बन जाती हैं। ठीक है, अब टेम्परामेंट ये नहीं है कि भाई एक ही रहेगा किसी पूरी ज़िंदगी। इंसान के टेम्परामेंट चेंज होता है। ठीक है, टेम्परामेंट में आ क्या क्या जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। टेम्परामेंट में इंसान की अवस्था आ जाती है, स्टेट ऑफ पर्सन, किस कलर का है। ठीक है, सिस्टम के फंक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि हमने पैथोफिजिकल बात की, साइकोफिजिकल बात की है, तो फंक्शंस ऑफ सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, मेंटल इमोशनल टेंडेंसीज जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, सो टेम्परामेंट में चीज़ें इंक्लूड करती हैं, साथ ही साथ दीज आर इन द रिलेशन विद द एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे टेम्परामेंट की, तो टेम्परामेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही है। इट इज़ अ टोटल ऑफ फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल यानी कि फंक्शंस जो अभी ऊपर मैंने बात की है, साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल, ठीक है, और डायनामिक यानी कि वाइटल फोर्स। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये टेम्परामेंट है। अब कोई इंसान पैदा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, ये लेटेंट स्टेट में है। लेटेंट स्टेट में है, और ये हर किसी के लिए पिक्यूलियर होती हैं, जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, इनहेरिटेड हैं
हर किसी के लिए पिक्यूलियर हैं जो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, और एक से एक इंसान से दूसरे इंसान से डिफरेंशिएट कर रही हैं। बट दीज आर ऑल्सो, मतलब इनको एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है कि ये लेटेंट है। ठीक है, अब करते हैं अपन बात इसके क्लासिफिकेशन की। सो क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट द नर्वस वन, नर्वस टेम्परामेंट, तो नर्वस टेम्परामेंट में जो मरीज है वो अलर्ट एक्टिव होता है। द पेशेंट इज़ मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेता है और बहुत रैपिडली काम करता है। जो डिसीजंस हैं वो एक्टिव हैं, रैपिड हैं। ठीक है, एंड द पेशेंट इज इम्पेशेंट, जो इस टेम्परामेंट के होते हैं वो इम्पेशेंट होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक होते हैं। ठीक है, और दे आर द वीक वन, वीक भी होते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ तो नक्सवोमिका, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि नर्वस टेम्परामेंट कैसा है एक्टिव अलर्ट को, एक नक्सवोमिका पेशेंट से वेरी मच एक्टिव। ठीक है, अब नक्सवोमिका नक्सवोमिका क्यों बना, क्योंकि बैठा रहता था, अल्कोहल पीता रहता था। ठीक है, सीडेंटरी हैबिट थी, उस हिसाब से जो टेम्परामेंट नर्वस था उसका पहले से। ठीक है, एक्साइटेड हो गया इन कंडीशंस की वजह से, बैठे रहने की वजह से, और जो एंगर है उसकी वजह से, और सीडेंटरी हैबिट हो गई, और अल्कोहल ड्रिंकिंग हो गई, इन सब की वजह से वो लेटेंट स्टेज एक्टिव स्टेट में आ गई। तो फिर मरीज कैसा हो जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियक, इम्पेशेंट, एंड एक्टिव डिसीजंस, अलर्ट एक्टिव। ठीक है, दूसरा जो टेम्परामेंट है वो है बिलियस टेम्परामेंट। ठीक है, सो बिलियस टेम्परामेंट जो है उसमें क्या है कि देखते ही पता चल जाएगा कि लिवर डिसऑर्डर्स, बिलियस में क्या आते हैं, लिवर डिसऑर्डर्स की टेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब इसका और साथ ही साथ हम कह सकते हैं बीपी की कंडीशंस आ जाएगी, हाई बीपी आपको देखने को मिलता है इन लोगों में। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो रूमेटिक कंडीशंस मिलेंगी, और क्या चीज़ मिलेगी इनमें आपको, बहुत ज़्यादा भूख। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख। सो इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो आप एक तो एलोज देखना और एक आप पोडोफाइलम देखना। ठीक है, नेक्स्ट जो टेम्परामेंट है वो है सैंग्विनस टेम्परामेंट। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद, यानी कि आउटगोइंग्स पसंद है। ठीक है, द पेशेंट इज सोशल, सोशल भी बहुत है, लाइवली है। सैंग्विनस टेम्परामेंट, सैंग्विनस का सिंपल सा मतलब होता है प्लेथोरिसिटी, प्लेथोरिसिटी का मतलब ये होता है कि जो भी मरीज़ है उसमें आपको फॉल्स ब्लड, यानी कि खून की कमी है, बट जैसे ही हंसा वसा वैसे ही उसके जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा दिखता है चेहरे पे, फॉल्स
ऐसा लगता है कि आपको कि इसमें तो खूब खून भरा हुआ है, लेकिन दे आर द डिफिशियंट वन। जैसे कि फेरोमेट को देख लो, ज़रा सा हंसा हो गया, कान लाल गाल लाल, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आप इसके लिए दवाई देखोगे जो आपको देखनी है, एकोनाइट। ठीक है, और कैक्टस, इससे आप, और साइलिशिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट है, लास्ट वन इज, और लास्ट टू सेकेंड वन इज फ्लैग मैटिक, टेम्परामेंट। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। ठीक है, और इंट्रोवर्ट होने के साथ बहुत ढीला डाला, स्लगिश काम करने वाला, है ना, और इंडिफरेंट रहने वाला। सो द पेशेंट इज इंट्रोवर्ट, स्लगिश। ठीक है, और इंडिफरेंट, जो अभी तक हमने ऊपर नहीं देखा। एंड फ्लेगमेटिक का मतलब होता है कि जो लिम्फ हैं और ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज्ड हैं। सो लिम्फेटिक, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट और वेनस स्टेसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, लिम्फेटिक ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट एंड वेनस स्टेसिस आपको इसमें देखने को मिलती है, इस दवाई में। जो पल्सेटिला है, ठीक है, और हमारे जो टेम्परामेंट है वो हो गया फ्लिगमेटिक टेम्परामेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेलनकोलिक टेम्परामेंट। मेलनकोलिक टेम्परामेंट जो होता है वो होता है दुखी रहने वाला, देवदास पर्सनालिटीज। ठीक है, हमेशा हर चीज़ की नेगेटिव साइड इनको दिखती है। ठीक है, और नेगेटिव साइड देखने की अगर मैंने बात की है तो आप ओरमेट देख लेना, सुसाइडल टेंडेंसीज, मर जाऊँ पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बात बताई है कि ये जो होते हैं फ्लेगमेटिक के, इसमें लिम्फेटिक ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट, तो एक लिम्फेटिक टेम्परामेंट होता है। ठीक है, और ऊपर जैसे अपन ने देखा कि चिड़चिड़ापन है तो इरिटेबल टेम्परामेंट भी होता है, ऐसे ही बन गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये टेम्परामेंट के बारे में, ये टेम्परामेंट होते हैं, टेम्परामेंट क्या होते हैं मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो आज आई होप आंसर मिल गया होगा कि टेम्परामेंट होता क्या है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया टेम्परामेंट होता क्या है, मैं आपको रिलेशनशिप भी बताऊंगी टेम्परामेंट और मियाज़म की। ठीक है, कौन सा मियाज़म से कौन सा टेम्परामेंट जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। इस वीडियो में मैंने आपको टेम्परामेंट के बारे में बता दिया। टेम्परामेंट करता क्या है, आपको समझने, स्वभाव है किसी का उसको समझने में ही हेल्प करता है। कीनोट प्रिस्क्राइबिंग के लिए यूज़फुल हो गया, है ना। अगर आप कह रहे हो इट इज़ अ पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, तो कीनोट प्रिस्क्राइबिंग के लिए हेल्पफुल है। तो ये हो गया हमारा टेम्परामेंट, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया टेम्परामेंट को।
अगर आपको मियाज़म क्या होता है, डायथेसिस क्या होता है वो देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मियाज़म और डायथेसिस क्या होते हैं। मियाज़म की बुक परचेज़ करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख लेना। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नो होम्योपैथी।